हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काम करेंगे टर्मिनल या कटप्पा ट्री के ऊपर। हिस्ट्री को इंडियन आलमंड ट्री भी बोलते हैं एंड हिस्ट्री को मैंने लाया था फ्रॉम जलाराम नर्सरी एंड उनके कहने पे इसको बेंड किया था, यहाँ पे कट किया था। सो आज हम लोग इसको रिपोर्टिंग करेंगे, इसको लगाएंगे बोनसर सॉइल में एंड इसको बोनसर ट्रेन करने का ये जो फर्स्ट स्टेप है आज वो इनिशिएट करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड टू ड्रिलर बोनसर। सो गाइस ये है अपना टर्मिनल या कटप्पा ट्री या इंडियन आलमंड ट्री जो कि यहाँ पे हम लोग ने ब्रेक किया था। तो सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं अपने को। ऑल्दो आई थिंक द अपर पोर्शन इज स्टिल अलाइव, जैसे कि आप देख सकते हो स्टिल अलाइव। सो मे बी वी मे बी एबल टू ग्रो अनदर ट्री आउट ऑफ इट, विल ट्राई दैट। लेकिन सबसे पहले टू वर्क ऑन द पेरेंट ट्री, इसको मैं ओपन अप कर रहा हूँ पहले एंड सॉइल रिमूव कर देते हैं इसमें से। सॉइल काफ़ी थिक है, काफ़ी कड़क है, इसको स्लोली रिमूव करना होगा अपने को। इसका रूप तो अजीब है एकदम। इसका रूट काफी डिफॉर्म्ड है। दैट्स वेरी बैड। सॉइल रिमूव हो गया, वी हैव टू वॉश दिस रूट फर्स्ट। Now we'll have to work on these roots. बहुत मुश्किल decisions लेने होंगे आज अपने को, because this is a highly deformed road that I'm able to see, जो कि नीचे जा रहा है, then ऊपर जा रहा है, and then फिर से नीचे आ रहा है. So this is the kind of route that we are able to see. Definitely we will have to remove that, for sure. So चलिए major decisions लेने के लिए ready होते हैं. First trim this off, step by step जाते हैं. एंड देन दिस वन विच इज हाईली डिफॉर्म्ड रूट, उसको हम लोग को प्रून करना होगा। जस्ट थिंकिंग वेदर शैल आई डू इट और नॉट, बस कुछ बचेगा ही नहीं उसके बाद। लेफ्ट विथ हार्डली एनीथिंग, आई थिंक वी शुड, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इट्स ओनली दिस रूट दैट इज कमिंग आउट, सो आई थिंक वी विल फ्लश इट हियर। यहाँ पे उसको फ्लश कर सकते हैं। Tough choice, very tough choice. The tree should also survive, and it's a very difficult decision to take. Highly difficult decision. Yeah, as per my knowledge, we should be removing it. But it's a big risk. इसको अगर remove कर देंगे, so it will create problem. I think we can keep it as it is, because फिर it will risk the health of this tree, which we don't want. So इसको थोड़ा trim करके we'll just leave it like this, and ऐसे हम लोग इसको लगाएंगे। So let's plant it like this, let's see what happens. So ये pot है मेरे पास and इसमें मैं इस tree को अभी आपके सामने लगाने वाला हूँ। So सबसे पहले सॉइल ऐड करनी होगी अपने को। सो गाइस इसको ऐसे प्लांट करने का हम लोग ने डिसीजन लिया है एंड वी आर नॉट रिमूविंग द डिफॉर्म्ड रूट एज ऑफ नाउ।
एयरोपोन में सॉइल ऐड करके कर दिया मैंने नीचे, एंड इसके ऊपर आई एम जस्ट गोइंग टू प्लांट दिस ट्री जस्ट लाइक दिस, एंड इसको एक स्लाइट बेंड है, नेचुरल बेंड है, सो आई कीप द बेंड द स्टाइल ऑफ दिस ट्री, एंड इसको इस तरह से ग्रो होने देंगे हम लोग. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स इट विल डेवलप नाइस रूट्स, फिर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं वेदर टू प्रून इट और नॉट, बट अगेन शुड नॉट हैपन दैट इसमें से रूट्स निकलेंगे तो फिर बाद में अगेन वी हैव टू प्रून देम, इट विल बी अ टफ चॉइस, वी कैनॉट कट दिस वन देन. ओके, विल मेक दिस डिसीजन लेटर, फॉर नाउ अभी के लिए it is important that this tree should survive, wo sabse important hai, and if it survives we'll see in future what to do. So I'll place it like this, aap dekh sakte hain natural bend hai, so aise dikhega ye tree after placing, and thoda soil add karte hain isme. यहाँ से एस शेप जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं, इट्स ओके. जो कटिंग है इसको भी हम लोग लगाने वाले हैं इन अ सेपरेट ट्री, सॉरी इन अ सेपरेट पॉट, इसके लिए उसको जस्ट साइड में रख रहा हूँ मैं. इसको टाइटन अप करते हैं अभी, आप लोग के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. So guys, that's it for today. And ये जो कटिंग है इसको हम लोग एक कट देंगे नीचे 45 डिग्री एंगल पे, रफली अबाउट हियर, एंड इसको हम लोग सेपरेट पॉट पे रखेंगे, एंड देखते हैं इफ़ यू कैन प्रोड्यूस अ सेपरेट ट्री आउट ऑफ इट. इसको थोड़ा रूटिंग हार्मोन भी लगाएंगे हम लोग, एंड देन आई गिव यू गाइज अपडेट इन द नेक्स्ट वीडियो. So guys, that's it for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, एंड टू सब्सक्राइब टू थ्रिलर बोन्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.